हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जयश्री और मैं अभी रशिया के मॉस्को सिटी में हूँ और यहाँ पे घर कैसे होते इस पे मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा है कि हमारे पास जो कार्ड था उससे हमारी एंट्री हो गई अपार्टमेंट में और यहाँ अंदर एक लॉक है, ये की से ओपन होता है, नहीं तो यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है तो ये डोर ओपन होता है। तो देखिए अभी मैं ये पासवर्ड डाल रही हूँ और पासवर्ड डालते ये डोर ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाता है। और ये है लिफ्ट, अभी मैं लिफ्ट से जाऊंगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पर और यहाँ पे हम शू रखते हैं और ये शू रैक के साइड में भी कबर्ड है। और यहाँ पे हम स्वेटर जैकेट्स रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी होती है हमेशा ही। और ये है हमारा किचन। और यह विंडो है जो कि दो टाइप से हम ओपन कर सकते हैं, एक ऐसे नॉर्मल तरीके से और एक ऊपर हैंडल करके ऊपर की तरफ से ओपन होती है। एक साइड से नेट लगी हुई है और दूसरा साइड पूरा ओपन है। देखिए यहाँ पे कोई ग्लास लगा नहीं है, पूरा ओपन है ये। और विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर 5 डिग्री है। और यह गैस है और उसके नीचे ओवन दिया गया है। और इसकी बटन यही है और इसके साइड में लाइटर की बटन है, इससे गैस ऑन होता है। और इसके ऊपर एग्जॉस्ट के लिए किचन चिमनी दी है। ये देखिए ये चिमनी है। यहाँ पे कोई सिलेंडर नहीं होता है, यहाँ पे गैस पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और ये देखिए साइड में पाइपलाइन है। और ये है नल जहाँ ठंडा और गर्म दोनों टाइप का पानी आता है। यहाँ सभी नलों में ऐसे सिस्टम दी गई है और ये राइट किया तो ये गर्म है और लेफ्ट टर्न किया तो ये ठंडा पानी आता है। और ये है हीटर।
और यह 5 to 6 months स्नो रहता है और टेम्परेचर -20 degree to -30 degree तक पहुंच जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक हीटर नहीं है, इससे गर्म पानी सप्लाई होते रहता है, इसलिए रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ये सभी रूम में लगाया गया है और ये है लिविंग रूम, लिविंग और डाइनिंग रूम कंबाइन है। और ये देखिए यहाँ भी हीटर लगाया है। और ये है बेडरूम, कभी कभी बहुत ठंडी होती है इसलिए हमने एक्स्ट्रा हीटर लिया है। ये और ये इलेक्ट्रिकल हीटर है। और ये है वॉश एरिया, यहाँ पे है वॉशिंग मशीन। और ये वॉशिंग मशीन में भी रशियन में ही लिखा हुआ है, यह रशिया में देखोगे आप ऑलमोस्ट रशियन लैंग्वेज में ही लिखा रहता है। और यहाँ से अच्छी धूप आती है तो कपड़े भी सूख जाते हैं। और यहाँ भी एक हीटर दिया गया है। और ये है बाथरूम, ये भी कंबाइन है। और यहाँ भी एक हीटर दिया गया है। और यह बेडरूम है, हमने इसे स्टोर रूम बनाया है। ये है बालकनी, यहाँ की बालकनी बहुत छोटी छोटी होती है। और ये देखिए बालकनी से बाहर का भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये नीचे है पार्किंग एरिया। और ये प्ले एरिया है बच्चों के लिए। और यहाँ की बालकनी देखिए बहुत छोटी है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे टीन लगाया गया है। देखिए यहाँ बालकनी में गैप है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, शायद इसलिए ऐसी बालकनी बनाई गई होगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च महीने में स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, तब बहुत ग्रीनरी होती है यहाँ पे। और जब विंटर में यहाँ पे स्नो होता है तो झाड़ को एक भी पत्ते नहीं होते हैं। तो बाहर से देखिए बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। तो बस वीडियो को यही एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।